अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक और होनहार स्टूडेंट माशाल्लाह राफिया लतीफ़ हैं पाक पतन से, ये भी फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का इंटरव्यू दे चुकी हैं। CI-18 इनका रोल नंबर है अकेडमी में। इनका इंटरव्यू इन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं अभी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जिनके अपकमिंग में इंटरव्यूज़ हैं। देखने में ये बात आई है कि फूड ग्रेन सुपरवाइज़र हालांकि मैट्रिक लेवल की सीट है, लेकिन उसके बावजूद इंटरव्यूज़ इंग्लिश में भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं PPSC के, वो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि बेशक ये सीट मैट्रिक लेवल की थी, बट आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इसके ऊपर बैचलर जो स्टूडेंट्स थे, बैचलर्स लेवल के, जिन्होंने 14 साल अपनी तालीम मुकम्मल कर रखी या 16 साल जिनकी तालीम है, इवन MPhil लोग भी इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास इतनी बड़ी डिग्री है तो उनके पास थोड़ा बहुत उन्हें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो इसी वजह से वो लोग सिर्फ उर्दू में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बल्कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास जस्ट मैट्रिक या FSC लेवल की डिग्री है तो वो आपसे सिंपल उर्दू में ही इंटरव्यू लेते हैं, बट अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है तो आपसे एक तो उस डिग्री के मुतालिक भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और बड़े कभी चांसेस हैं कि जिन लोगों की सिर्फ मैट्रिक या FSC की डिग्री है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों के ऊपर जिनकी डिग्री हायर है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनके पास हायर डिग्री है या बड़ी डिग्री है तो उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई कर जाते हैं उनको मेंबर्स को, तो ऑफ कोर्स उनकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास बड़ी डिग्री है तो आप तो ये डिपार्टमेंट स्विच कर जाएंगे। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट वे में आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, वो ऑफ कोर्स सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो लोग मैट्रिक या FSC लेवल की बुनियाद के ऊपर गए हैं वहाँ पर अप्लाई करके, तो उनके तो ब्राइट चांसेस हैं। अगर उनका इंटरव्यू अच्छा होता है तो ऑफकोर्स उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर वो आगे तालीम हासिल नहीं कर रहे तो मेंबर्स भी ये चीज़ सोचते हैं कि यार इनके पास आगे डिग्री नहीं है तो इनके पास यही एक मौका है, और इन्होंने टेस्ट चूँकि क्लियर किया है तो इन्हें मौका मिलना चाहिए और इन्हें जॉब भी मिलनी चाहिए। बहरहाल, जिसका भी इंटरव्यू अच्छा होगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। मेहनत किया करें इंटरव्यू के लिए भी। हमारे ये जो स्टूडेंट हैं राफिया लतीफ़, पाक पतन से इनका ताल्लुक है, CI-18 इनका रोल नंबर है अकेडमी में, और माशाल्लाह इन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, माई इंटरव्यू गोज़ वेरी वेल, जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल योर गाइडेंस, यू आर अ ग्रेट मेंटोर। ठीक है जी, उन्होंने कुछ तारीफ़ भी किया है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इस बच्ची को मैं गुड लक भी बोलता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इंशाल्लाह सिलेक्शन अल्लाह करे इसकी हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दुआओं की भी बात करी तो बिल्कुल उस्ताद की दुआ अपने स्टूडेंट के साथ होती है। अच्छा जी, अब इनका इंटरव्यू ज़रा सुन लेते हैं कि कैसा इनका इंटरव्यू रहा, इससे ऑफकोर्स आपको फ़ायदा होने वाला है। Assalamu alaikum, my name is Rafa Latif and I am from district Pak Patan. My role number in the computer service academy is CI-18 and my interview was held on 12th of July 2023. Alhamdulillah, it goes very well and now I will share my personal experience of interview with all of you. To sabse pehle to 3 members pe panel mushtamil tha, और जो सेंटर में सर बैठे हुए थे, सर आरिफ खान साहिब, उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आपके फादर क्या करते हैं, बाकी बहन भाई क्या करते हैं, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की ड्यूटीज़ क्या हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या जानती हैं, ये जो स्पेशली मार्च पे ये औरतों ने मार्च किया था उसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगी, उनकी क्या डिमांड्स थी। फिर उन्होंने कहा कि करंट सेक्रेटरी ऑफ फूड डिपार्टमेंट कौन है और अपनी स्टडीज़ को कैसे इसके साथ लेके चलेंगी अपनी जॉब के साथ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो बहुत टफ टास्क देने वाला है आपको, तो आप तो मैनेज नहीं कर पाएंगी साथ। देन उन्होंने मुझसे कहा कि फील्ड वर्क आप कैसे करेंगी, किसानों को से इंटरेक्ट कैसे करेंगी, कैसे हैंडलिंग करेंगी आप। और फिर उन्होंने मुझे जो सेकंड सर थे उनके पास रेफर किया, उन्होंने मुझसे कहा कि किस डिग्री में आप स्टडीज़ कर रही हैं, फिर मैंने उनको बताया और जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किए थे वो 5 to 6 क्वेश्चन थे जो मेरे डिग्री के रेलिवेंट ही थे। देन थर्ड मेंबर्स की तरफ रेफर किया जो कि फीमेल थी, उन्होंने मुझसे फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड चीज़ें पूछी, जैसे कि
जूट बैग्स और पीपी बैग्स में क्या डिफरेंस होता है, वीट को कैसे स्टोर किया जाता है, किस किन किन तरीकों से हम वीट को स्टोर कर सकते हैं, इन केस ऑफ वीट डेफिशिएंसी हम कहाँ से मंगवाते हैं ज़्यादातर गंदम, किस कंट्री से। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे आप भी मेरी तरह एक फीमेल हैं तो डिपार्टमेंट में तो 10 रात 10 बजे तक भी काम करना पड़ जाता है, फैक्ट्रीज का विजिट करना पड़ जाता है, तो आप ये सब कर लेंगी, कोई मसला तो नहीं होगा आपको, को कैसे मैनेज कर लेंगी इसको सारा, वो मैंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि ओके थैंक यू, और मैंने उनसे कहा कि अल्लाह हाफिज़। ड्यूरेशन अगर इंटरव्यू के ड्यूरेशन की बात की जाए तो 14 to 15 मिनट्स मैक्सिमम थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छा हो गया, और जैसे सर ने हमें प्रिपरेशन करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अकॉर्डिंग मैं चली हूँ, और बहुत सी हेल्प मिली है सर से। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, आलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ऑलरेडी हमने मॉक इंटरव्यूज़ में प्रेजेंट किया हुआ था सर को, और वैसे भी जो सर ने हमें प्रिपरेशन करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। एंड फॉर ऑल ऑफ यू विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, माशाल्लाह ये राफ़िया लतीफ़ की आप आवाज़ सुन रहे थे, और माशाल्लाह इनका इंटरव्यू अच्छा चला गया, और ये अच्छे की उम्मीद रखती हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात होती है किसी भी स्टूडेंट के अंदर। देखें, जब आप अल्लाह ताला से अच्छे का गुमान करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, और अगर अल्लाह ना करे कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ भी हो जाए तो उसको नेगेटिव वे में ना लेकर जाया करें। देखें, सहाबा कराम सहाबा जो हमारे थे प्यारे सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन के, वो फरमाया करते थे कि जब हमारी कोई दुआ कबूल हो जाती थी तो हम खुश होते थे कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली, और अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती थी तो तब हम और ज़्यादा खुश होते थे। तो किसी ने पूछा, जी अल्लाह ताला जब आपकी दुआ कबूल नहीं करते तो तब आप ज़्यादा खुश क्यों होते हैं? तो सहाबा कराम जवाब दिया करते थे इस बात का कि जब अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करते और हमारी मनपसंद चीज़ जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, तो हमें ये यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला हमें इससे कुछ बेहतर देने वाला है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से हमें कुछ देने का फ़ैसला किया है, इसीलिए उसने हमें हमारी मनपसंद चीज़ नहीं दी, क्योंकि सम टाइम जो चीज़ आपको पसंद होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखें, अपने माँ बाप से दुआ लिया करें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, और खुश रहें, खुश रखें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।